जंगल है तो जीवन है, और यदि जंगल साल का हो तो वहां का जीवन भी कमाल का हो जाता है। मैकल पर्वत श्रृंखला, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों से घिरा जंगल, हजारों किस्म के पौधों और वन्य प्राणियों की विविधता। धुंध की चादर तान कर सोए लंबे चौड़े मैदान, और इन मैदानों की शान बारहसिंगा। पहली बार 1933 में इन जंगलों को कान्हा अभयारण्य नाम से पहचान मिली। फिर तो कई बार इसका स्वरूप बदला और एक दिन समय ने इसे कान्हा टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया। न जाने क्या क्या बदला, मगर इतने दशकों में भी जो नहीं बदला तो वो था इसका जादू, जो आज भी अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना देता है। फिर चाहे सर्दियों के मौसम में साल के पेड़ों के पीछे बिछी धुंध को केसरिया रंग में रंगता सूरज हो, या यहां की वादियों में कूदते फांदते लंगूर, या फिर साल के पेड़ों के बीच बहती चमकीली जंगली नदियों में इतराते चीतल, सबका अपना एक अलग ही जादू है, और यही जादू कान्हा को एक अलग पहचान भी देता है। और मत भूलिए साहब, कान्हा के जंगल तो हमेशा से अपने बाघों के लिए दुनिया भर में जाने जाते रहे हैं। न जाने कितने मशहूर बाघ दिए हैं इन जंगलों ने। एक अलग ही रोमांच होता है साल के घने जंगलों में बाघ के दीदार का, और फिर अचानक बाघों का पूरा कुनबा ही सामने आ जाए तो यकीन मानिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह अनुभव आप पूरे जीवन नहीं भुला पाएंगे। अंग्रेज हुक्मरानों को भी कान्हा ने अपना दीवाना बना रखा था। यहां की हरियाली, ठंडा मौसम शायद उन्हें वतन की याद दिलाते, इसलिए उन्होंने कान्हा के जंगलों को अपनी आरामगाह बनाकर सहेजा। 100 से भी ज्यादा साल पुराने यह भवन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अंग्रेजों को यहां समय बिताना कितना पसंद था। आराम और मनोरंजन की बात हो तो पुराने दौर में शिकार ही सबसे पसंदीदा काम था। फिर कान्हा में तो कभी भी किसी भी प्रकार के शिकार की कोई कमी थी ही नहीं। कान्हा के जंगलों में अंग्रेज अधिकारियों, भारतीय राजाओं और स्थानीय शिकारियों के शिकार अभियानों के अनगिनत किस्से और किंवदंतियां हैं। एक बहुत पुरानी किंवदंती का किरदार श्रवणताल, जो आज भी कान्हा में अपनी कहानी बयां करता है। कहते हैं हिरण के शिकार को निकले राजा दशरथ के चलाए तीर से ही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, जो इसी तालाब से अपने बूढ़े माता पिता के लिए लोटे में पानी भर रहे थे। तीर से घायल श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र के विरह में तड़पने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण मृत्यु के समय राजा दशरथ के पास उनके पुत्र राम मौजूद नहीं थे। राजा दशरथ को मिले श्राप के दिन से आज तक श्रवणताल और यहां के जंगलों ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं। उतार चढ़ाव का यह दौर बारहसिंगा के लिए बहुत कठिन समय लेकर आया। बस एक सदी पहले तक ये पूरे मध्य भारत, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना के मैदानी इलाकों में मिलते थे, मगर 50 के दशक में बारहसिंगा का इलाका सिमटकर केवल कान्हा के जंगलों में ही बचा रह गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 1954 में बारहसिंगा के शिकार पर पाबंदी भी लगा दी गई, और इस प्रकार मध्य प्रदेश के राज्य बनने से 2 साल पहले ही इसके भावी राज्य पशु के संरक्षण हेतु पहला कदम उठा लिया गया। मध्य प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंगा का अंग्रेजी नाम है हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर, मगर यह अपने नाम में स्वाम्प या दलदल होने के बाद भी कड़ी भूमि या मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए तो सिर पर कई शाखाओं वाले सींगों या श्रृंगाप की उपस्थिति से उपजा यह हिंदी नाम बारहसिंगा ज्यादा जचता है। नर बारहसिंगा की आयु के अनुसार 12 शाखाओं, कुछ अवसरों पर तो इससे भी ज्यादा शाखाओं के श्रृंगाप वाले नर बारहसिंगा देखे गए। मगर 20वीं सदी इन अद्भुत सुंदरता वाले बारहसिंगा के लिए बहुत मुश्किल समय लेकर आई। एक ओर
ये अन्य हिरण साथियों से कम चपल होने के कारण अपेक्षाकृत आसानी से शिकार किए जा रहे थे। तो दूसरी ओर 40 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें चाहिए थे ज्यादा खेत, बड़े बड़े बांध और आधुनिक उद्योग धंधे। धीरे धीरे बारहसिंगा और दूसरे मैदानी जीवों के रहवास हमारे विकास की जरूरतों में मिटते चले गए। मैदानी जीवों में से कुछ ने तो खुद को बदलती परिस्थिति में ढाल लिया, मगर बारहसिंगा जैसे शर्मीले जीव जो केवल कुछ ही प्रकार की घास खाना पसंद करते हैं बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अवैध शिकार और अनुकूल रहवास में कमी, दोनों के मिले जुले प्रभाव से 60 का दशक खत्म होते होते बारहसिंगा कान्हा के जंगलों तक सिमट कर बस 66 ही बचे रह गए थे। इस छोटी सी संख्या को विलुप्ति से बचा पाना असंभव था। सब यह मान चुके थे कि बारहसिंगा की यह प्रजाति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। शुक्र है कि तब भी कुछ लोगों ने सपने देखना नहीं छोड़ा था। बिना देरी किए कान्हा प्रबंधन ने अपने थोड़े संसाधनों के साथ ही इस खूबसूरत वन्य जीव को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस काम में प्रशासन और वैज्ञानिक समुदाय दोनों ने ही कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। साठ के दशक में बाघों के दीदार के लिए दुनिया भर से कान्हा आने वाले पर्यटकों को बाघ दिखाने के लिए बंधे हुए आसान शिकार का इंतजाम किया जाता था। बाघ बंधे हुए आसान शिकार को क्यों छोड़ते? बस इसी तरह कई दिनों तक पर्यटकों को बाघ के दर्शन होते रहते थे। मगर ये मैदानी इलाके बारहसिंगा के रहवास भी थे, और जब पर्यटक नहीं होते और शिकार भी नहीं बांधे जाते तो आसान शिकार के लालच में इन मैदानों में आने वाले बाघों के शिकार बारहसिंगा हो जाते थे। जैसे ही तत्कालीन प्रबंधन को एहसास हुआ यहां बाघों के लिए शिकार बांधने की प्रथा बंद कर दी गई। बारहसिंगा के संरक्षण की ओर यह एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन अभी सफर लंबा था। बारहसिंगा को बचाने के लिए उनके तेजी से सिमटते रहवास को बचाना भी जरूरी था और नए अच्छे रहवास बनाना भी जरूरी था। इसीलिए कान्हा में राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसे गांवों को नए सिरे से बाहर बसाया जाना शुरू किया गया। साथ ही साथ जंगलों के भीतर खाली हुए मैदानों को फिर से बारहसिंगा के अनुकूल रहवास में बदलने का काम भी शुरू हुआ। 1969 में बारहसिंगा और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अपने गांव को नए सिरे से बसाने का कठिन रास्ता चुनने वाला भारत का पहला गांव बना सौंफ गांव। अपने बने बनाए घर और जमीन को हमेशा के लिए अलविदा कहना कोई आसान काम नहीं। बारहसिंगा और कान्हा के लिए इन ग्रामीणों ने अपना बना बनाया घर भी छोड़ दिया, मगर संतोष की बात है कि इन समुदायों ने अपनी संस्कृति और जीवन शैली को नहीं छोड़ा, जो आज भी पहले की तरह जिंदा और बरकरार है। 70 के दशक में कान्हा प्रबंध ने तय किया कि कुछ बारहसिंगाओं को हर तरह के शिकारी जानवरों से सुरक्षित बचाकर बाड़े में रखा जाए, जहां वे किसी भी तरह के दबाव से मुक्त सुरक्षित प्रजनन कर सके। फिर यहां पैदा होने वाले बारहसिंगा को जंगलों में मुक्त कर इनकी संख्या जंगलों में बढ़ाई जा सके। कान्हा मैदान में अपने अस्तित्व के लगभग 50 वर्ष पूरे कर चुका यह बाड़ा बारहसिंगा संरक्षण के कठिन कार्य में मील का पत्थर साबित हुआ, और अब इस बाड़े ने कान्हा को सैकड़ों बारहसिंगाओं की सौगात दी। कान्हा की हर प्रबंधन गतिविधि बारहसिंगा की जरूरतों को ध्यान रखकर ही की जाती है। ऊंचे ऊंचे घास के मैदान, मैदानों में बड़े बड़े तालाब और तालाबों में बारहसिंगा की पसंदीदा जलीय पौधों की पर्याप्त उपस्थिति, सब कुछ बड़े जतन से प्रबंधित किया जाता है। तभी तो कान्हा के मैदानों में एक दो नहीं बल्कि तालाबों की कतार दिखती है। पूरे साल आप किसी भी दिन और दिन के किसी भी समय यहां आए, किसी न किसी तालाब में बारहसिंगा पानी के पौधों को चरते हुए दिखे जाएंगे। मौसम बदलते ही जंगल का रंग बदलना भी उसकी फितरत है।
और बारिश के आते ही कान्हा के जंगल सुंदरता के शिखर पर होते हैं। गर्मियों में गिर चुके बारहसिंगा श्रृंगाब बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ते पेड़ पौधों के जैसे ही बढ़ने लगते हैं। बारिश के मौसम में अपने सुनहरे भूरे रंग और गुलाबी मखमली श्रृंगाब के साथ बारहसिंगा बरबस ही रामायण के स्वर्ण मृग की याद दिला देते हैं। और फिर तो बारहसिंगा देखने का एक अलग ही आनंद आता है शीत ऋतु में, जब नर बारहसिंगा साथी की तलाश में और साथी मिलने पर उसे रिझाने में लगे होते हैं। इन दिनों सारे नर बारहसिंगा अपने श्रृंगाब को घास फूस से सजाकर सहरा बंधे दूल्हे की तरह अपने साथी की तलाश में इस मैदान से उस मैदान, इस तालाब से उस तालाब भटकते हैं। मादा पसंद आ जाए फिर तो एक अलग ही लय में प्रेम गीत गाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी हिरणी पर दो नरों का दिल आ जाए फिर तो घमासान पक्का है। शीत ऋतु में हिरणी के लिए घमासान करते नर भी अक्सर दिखी जाते हैं। शीत ऋतु में होने वाले बारहसिंगा प्रणय लीला के फल 9 महीने बाद वर्षा ऋतु में मिलने शुरू होते हैं। मादा बारहसिंगा 1 साल में बस एक ही छौने को जन्म दे पाती है, इसीलिए वह छौनों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखती है। 2 से 3 महीने तक वह नवजात छौनों को बड़ी बड़ी घास के भीतर छुपा कर रखती है। मगर जंगल तो जंगल है, घास मैदानों की बड़ी बड़ी घास में छुपा कर रखे गए इन नवजात छौनों को भी अपनी रक्षा खुद ही करनी होती है। हां, बाड़े के भीतर नवजातों की सुरक्षा का स्तर अलग है। प्रजनन और संख्या वृद्धि की दृष्टि से रखे बारहसिंगा और उनके नवजात छौनों की सुरक्षा हेतु वनकर्मी बाड़े की हर गतिविधि पर गहरी नजर रखते हैं। छौनों के लिए सबसे बड़ा खतरा अजगर को तो देखते ही बाड़े से बाहर निकाल देते हैं। पिछले 5 दशकों में न जाने कितने ही अजगरों को बाड़े के अंदर से पकड़ा गया और दूसरे स्थान पर छोड़कर बारहसिंगा नवजातों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। पांच दशकों की सतत मेहनत का फल एक ना एक दिन तो मिलना ही था। बारहसिंगा जो पहले सिर्फ सौंफ और कान्हा के मैदान में मिलते थे, वे धीरे धीरे कान्हा के लगभग सारे मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। इन बारहसिंगाओं की गिनती गश्ती के दौरान हफ्ते के 7ों दिन और साल के पूरे 365 दिनों में की जाती है। हर एक वयस्क बारहसिंगा से लेकर हर एक छौने की गिनती करके एक खास तौर पर बने रजिस्टर में लिखी जाती है। बारहसिंगा की बढ़ती संख्या एक ओर हर्ष और गौरव का विषय था, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन के लिए नई चुनौतियों का कारण भी था। सबसे बड़ी चुनौती और डर किसी बीमारी होने पर सब बारहसिंगाओं में बीमारी फैलने का था। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का स्पष्ट मत था कि बारहसिंगा की एक छोटी संख्या को किसी अन्य उचित संरक्षित क्षेत्र में स्थापित करना जरूरी है। कान्हा में किसी बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में यह नवीन स्थापित बारहसिंगा समूह भविष्य में बीमा का काम करेगा। पर बारहसिंगा को अन्य जंगलों में बसाने का सपना जिंदा रखते हुए बारहसिंगा के लिए नवीन अनुकूल आवास की खोज खत्म हुई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी जंगलों में। फिर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बोरी के आसपास के जंगलों में बारहसिंगा मौजूद भी थे, मगर इन्हें कान्हा से बोरी ले कैसे जाएं? 80 के दशक में बारहसिंगा को कान्हा मैदान से सुखार ले जाने के बुरी तरह असफल हुए प्रयासों को कोई भूला नहीं। और फिर कान्हा से बोरी के इन जंगलों की दूरी तो कई गुना ज्यादा थी। उससे भी बड़ी चुनौती थी कि बिना नुकसान पहुंचाए इन बारहसिंगा को पकड़े कैसे। पिछले प्रयासों में जब बारहसिंगा को रसायन के प्रयोग से बेहोश कर पकड़ा गया था तो वह भी असफल साबित हुआ था। मगर कान्हा प्रबंधन ने चुनौतियों से हार मानना कब सीखा था? अफ्रीका के सवाना मैदानों की बोमा पद्धति में फेरबदल कर उसे बारहसिंगा और कान्हा की परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर प्रयास शुरू किए गए।
तैयारियां पूर्ण होते ही मध्य प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंगा को पहले प्रायोगिक चरण में राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भेजा गया। 7 बारहसिंगाओं को बिना रसायन के बेहोश किए कान्हा से सुरक्षित वन विहार पहुंचाना एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफल स्थानांतरण ने 5 दशक से जारी बारहसिंगा संरक्षण के प्रयासों में एक नया आयाम और जोड़ दिया। फिर 2015 से 2021 तक 6 चरणों में 58 बारहसिंगा को सतपुड़ा के जंगलों में लाकर छोड़ा गया। दशकों पहले खो चुके अपनी बोरी की पुश्तैनी विरासत को कान्हा से आए बारहसिंगाओं ने अब पूरी तरह अपना लिया है। अब तो सतपुड़ा में इनका कुनबा बढ़कर 90 से अधिक का हो चुका है। और तो और, कुछ बारहसिंगा बोरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर सतपुड़ा में चूड़ना के मैदानी क्षेत्रों में भी पाए जा रहे हैं। 1954 में शिकार पर लगे प्रतिबंधों के बाद हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा को बचाने के प्रयासों के लगभग 7 दशक पूरे हो चुके हैं। कान्हा में बारहसिंगा का कुनबा 66 से बढ़कर आज 1000 से भी ज्यादा हो चुका है। सतपुड़ा और वन विहार की संख्या मिलाकर अब यह कुनबा 1100 से ज्यादा है। यह सब मुमकिन हो पाया बारहसिंगा और उनके रहवासों के सतत श्रेष्ठ प्रबंधन से। बारहसिंगा संरक्षण में लगे हुए हमारे हर एक वनरक्षक के लगन और मेहनत से, जिसमें से कुछ ने अपना पूरा जीवन तो किसी ने न जाने कितने साल दे दिए बारहसिंगा को फिर से आबाद देखने के लिए। नमन है उन सपने देखने वाले जुझारू योद्धाओं को, जिनके जुनून ने बारहसिंगा के खत्म होने की आशंकाओं को झूठा साबित कर दिया। और बारहसिंगा अलमस्त हो आज भी मैदानों में मुक्त घूमते हुए प्रेम गीत गाते हुए अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं।